जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? स्वागत है फिर से आपका मेरी आज की नई वीडियो में। मेरा नाम है दिशा जैन और आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी बहुत ही स्वादिष्ट नया मटर का नाश्ता बनाने की रेसिपी, जो कि आसान तरीके से सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मटर। ये ताज़े हरे मटर है, अभी मटर की सीजन में तो ताज़े हरे मटर आसानी से मिल जाते हैं और अक्सर हम मटर की कचौड़ी, मटर के पराठे वगैरह बनाते हैं। तो आज हम इसके मटर के कटलेट बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये रखा है मैंने गैस पे पैन में डाला हुआ है मैंने पानी, पानी गर्म हो चुका है। इसमें हम मटर को बॉईल करने के लिए डाल देंगे। मटर ज़्यादा टाइम नहीं लगता मटर को बॉईल करने में, 5 से 10 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाते हैं मटर। कुकर की ज़रूरत नहीं है, हम इसी बर्तन में हम बॉईल कर लेंगे मटर को। अगर आप कुकर में बॉईल करना चाहते हो तो 1-2 सीटी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये मटर भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है लगभग। अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और मटर को हम निकाल लेते हैं। ये मैंने लिए चलनी में हम मटर निकाल लेंगे सारी। ये देखिए मैंने अच्छे से मैंने सारी मटर निकाल ली है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे मटर को, बॉईल की हुई मटर को, देखो इस तरह से। और इसको हम मैशर की हेल्प से मैश कर देंगे, देखो इस तरह से इजीली मैश हो जाती है, क्योंकि बॉइल्ड मटर है ना तो बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो जाती है। अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से। अब ये देखो मटर हल्की सी ठंडी हो चुके हैं, तो इसको हम हाथ से कर लेते हैं। जितने थोड़े बहुत मटर के दाने रह गए होंगे वो भी अच्छे से इस तरह से मैश हो जाएंगे। ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, फिर डालेंगे ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, फिर डालेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून तिल्ली, सफ़ेद तिल्ली, फिर डालेंगे इसमें राई की जगह आप अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, अजवाइन का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। फिर डालेंगे इसमें हम कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, फिर डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे हम रेड चिली पाउडर जितना तीखा आप खाते हो, फिर डालेंगे इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार, फिर डालेंगे हम रोस्टेड जीरा पाउडर, फिर डालेंगे हम 2 चम्मच चावल का आटा, चावल का आटा ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, फिर डालेंगे हम इसमें 3 चम्मच बेसन, बेसन को मैंने छान लिया था अच्छे से, ये 3 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर हमको बेसन की रिक्वायरमेंट और होगी तो हम आगे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने 3 टेबल स्पून ही बेसन का यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अभी इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं जिससे बाइंडिंग अच्छे से आ जाए। देखो अब मैं 2 टेबल स्पून और ऐड कर देती हूँ बेसन जिससे अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। अभी बाइंडिंग नहीं आ रही है, एकदम बिखरा बिखरा लग रहा है। जब हाथ में ऐसे भरने लग जाए ना तो यानी कि बाइंडिंग आ रही है और अच्छे से कटलेट हमारे बन सकते हैं। ये देखिए मैंने मिक्सर रेडी कर लिया है। अब गैस हाथ पर लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ही लिया है मैंने, ये हाथ पर लगा लिया कुछ तरह से जिससे हाथ गंदे नहीं होंगे, और ऐसे थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके कटलेट बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन रही थी गाइस, मज़ा आ गया। आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में रख सकते हैं इनको। देखो इस तरह से हम कटलेट बना के रेडी कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ऐसे ही हम सारे कटलेट बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी वीडियोज़ भी देखते रहें गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। ये देखिए इस तरह से हम कटलेट बना के रेडी कर लेंगे। आप एक बार बनाएंगे तो हर बार बना के यही खाएंगे, बार बार बनाएंगे, हफ्ते में 2-3 बार तो बना ही लेंगे। ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब उनको फ्राई करने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डाला हुआ मैंने सरसों का तेल, इसको हम गर्म हो जाने देंगे। ये जब गर्म हो जाए ना अच्छे से हाई फ्लेम पर तभी हम इसको डालेंगे कटलेट्स को। और ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि गाइस आप कहेंगे
अगर आपकी कटलेट्स फटेंगी तो फिर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं, इसलिए हर एक प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और जब ये अच्छे से थोड़े से सिक जाना नीचे से, तभी ऐसे फ्लिप करेंगे इनको, वरना अगर कच्चे में ही फ्लिप कर देंगे तो ये फट जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप चाहो तो हाई फ्लेम पे ही, मतलब ऐसे स्टार्टिंग में हाई फ्लेम रखो, बीच में ऐसे मीडियम फ्लेम कर सकते हो। अच्छे से अलट पलट के सेक लेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आई होप आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, काफ़ी डिलीशियस बने थे गाइस। अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें इस वीडियो को। ये देखिए अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। सेकेंड बैच भी इसी तरह सेक लेंगे। देखिए ये भी अच्छे से सिक चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। चलो अब प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। ये देखिए वाह, सफ़ेद तिली देखो ऊपर कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, दिख रही है ना, काफ़ी डिलीशियस बने थे गाइस। इसको हम ग्रीन चटनी के साथ या फिर केचप वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में बना रहे हो तो चाय भी ले सकते हैं इसके साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो अब टेस्ट कर लेते हैं इनको। देखिए वाह, अंदर तक सीख गए हैं अच्छे से, और चटनी के साथ सर्व करेंगे, काफ़ी डिलीशियस होने थे गाइस, मेरे को तो मज़ा ही आ गया। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। Thank you for watching. Bye bye. Get ready for the next video.